मैंने इस डेटा केबल को 8 महीने पहले रिपेयर किया था, अब जाके मेरा चार्जर बिगड़ चुका है। एमआई का ओरिजिनल चार्जर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्जिंग कनेक्ट करता हूँ तो कभी चार्जिंग होता है कभी नहीं होता है, ऐसे मोड़ता हूँ भी तो चार्जिंग होता है कभी नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हार्ड सर्फेस पे इस तरह से चार्जर को रख देना है, ऊपर किसी की सॉफ्ट चीज़ से ठोकना है तो इस तरह से चार्जर खुल जाएगा और आपका चार्जर भी डैमेज नहीं होगा। उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किया रहता है तो वो आसानी से खुल जाएगा। इस तरह से मैंने खोल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किया था। अब पीसीबी को बाहर निकाल देते और देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जला हुआ का निशान है, तो हम इसको इस तरह से काट देंगे तो ये प्लास्टिक की सीट पीछे के इस तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं डायोड हीट हो चुका है और पीसीबी की जो सोल्डरिंग की रहते वो ड्राई सोल्डर हो चुके हैं, तो उसको हमको रीसोल्डर करना होगा। तो मैंने उसको रीसोल्डर कर दिया और परफेक्टली सोल्डर करना है, एकदम हार्ड सोल्डर, और फिर से उसको पैक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।